हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कन्फ्लुएंस। स्कॉलर्स, आज हम एड्रेस चैप्टर को करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन आंसर करने से पहले उससे पहले मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। द एड्रेस चैप्टर मार्गा मिंको द्वारा लिखा गया। यह स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में लिखी गई थी। जर्मन ने हॉलैंड पर अटैक कर दिया था उस समय, जिसमें हॉलैंड को जर्मन के सामने सरेंडर करना पड़ा और जर्मन के जो नाजीज यहूदियों पर अत्याचार करते थे तथा उन्हें कैदी बना करके उनकी हत्या करने के लिए कैंप में भेज दिया जाता था तथा उनकी ज़मीन और संपत्ति गैर यहूदियों को दे दिया जाता था। यह कहानी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक नौजवान लड़की और उसकी माँ, जो यहूदी हैं, हॉलैंड छोड़कर किसी तरह भाग निकलते हैं और जाने से पहले उन्होंने अपना सारा कीमती सामान एक गैर यहूदी के पास, मिसेज डॉर्लिंग के पास छोड़ जाते हैं, इस उम्मीद पर कि जब वे वापस आएंगे तो उनका सामान वापस मिल जाएगा। वह लेडी 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती थी। काफ़ी चालाक थी, सेल्फिश थी, ग्रीडी थी। कुछ समय के बाद जब नरेटर अपने होम टाउन आती है और मिसेज डॉर्लिंग के पास जाती है तो वह लेडी, मिसेज डॉर्लिंग, नरेटर को पहचानने से इनकार कर देती है और नरेटर को फिर कभी आने के लिए कहती है। जब नरेटर दूसरी बार जाती है तो उसकी लड़की, जो 15 वर्ष की थी, दरवाज़ा ओपन करती है और नरेटर को अंदर ले जाती है। नरेटर जब उस लिविंग रूम में जाती है तो वहाँ पहुँचकर अपने आप को उन तमाम सामान या चीज़ों के बीच अपने आप को पाती है जो कभी उसका था, और उस समय मिसेज डॉर्लिंग कहीं बाहर गई हुई थी। नरेटर उन तमाम चीज़ों को देख करके इमोशनल हो जाती हैं, और क्योंकि वो सारे सामान आज भी वैसे के वैसे पड़े हैं, लेकिन नरेटर की माँ मर चुकी है। उसकी माँ के बिना ये सामान अपना इम्पोर्टेंस खो चुके हैं। नरेटर उन सामान को देख करके अपनी पुरानी यादें, जो उससे जुड़ी हुई हैं, को ताज़ा नहीं करना चाहती तथा सामान छोड़कर जाने और भूलने का निश्चय कर लेती है। आइए स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड मिसेज डॉर्लिंग रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेज यस डॉटर? मिसेज डॉर्लिंग कैसा रिएक्ट करती हैं जब नरेटर ने अपने आप को मिसेज यस की डॉटर बताई? आंसर, मिसेज डॉर्लिंग बिहेव्ड इंसोलेंटली। मिसेज डॉर्लिंग काफ़ी बदतमीजी के साथ व्यवहार करती हैं। शी प्रटेंडेड दैट शी डिड नॉट नो नरेटर और हर मदर। उन्होंने सीधा ऐसा बहाना बनाया कि वह तो नरेटर को नहीं जानती या फिर उसकी माँ को भी नहीं जानती। मिसेज डॉर्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर्स एज इफ शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट ओपनिंग एनी फर्दर। मिसेज डॉर्लिंग ने दरवाजे को इस तरीके से पकड़ा हुआ था जैसे वो दरवाज़ा और नहीं खोलना चाहती थी, नरेटर को अंदर नहीं जाने देना चाहती थी। हर फेस शोड नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उनके फेस से लगता था कि वह नरेटर को नहीं पहचानती हैं। शी केप्ट स्टेयरिंग एट द नरेटर विदाउट अटरिंग ए वर्ड। और डॉर्लिंग नरेटर को बिना एक शब्द बोले उनकी तरफ देखती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did narrator feel that she had come to the wrong address? Narrator को ऐसा क्यों लगता है कि वह किसी गलत एड्रेस पर आ चुकी हैं? Answer, When the narrator arrived at Marconi Street, Mrs. Darling behaved in a different way. पहली बात यह थी कि जब वह उनके यहाँ जाती हैं तो Mrs. Darling एक अजीब तरीके से व्यवहार करती हैं। She thought that perhaps the woman was not Mrs. Darling. Narrator को लगता है शायद वह Mrs. Darling नहीं है। She had seen her only once. फॉर ए ब्रीफ इंटरवल एंड दैट 2 years ago, क्योंकि नरेटर ने मिसेज डॉर्लिंग को थोड़े समय के लिए कई साल पहले देखा था। सेकेंडली, इट वॉज प्रोबेबल दैट सी हैड रंग द रॉन्ग बेल। दूसरी बात यह थी कि नरेटर को लगता है कि शायद उन्होंने शायद उन्होंने गलत बेल को प्रेस कर दिया है, गलत दरवाजे पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द नरेटर कंक्लूड दैट शी वॉज राइट। नरेटर कैसे कंक्लूड करती हैं वो बिल्कुल सही जगह पर आई है। आंसर, द वुमेन वॉज वियरिंग द ग्रीन नीटेड कार्डिगन ऑफ नरेटर्स मदर। पहली बात, जब नरेटर ने
मिसेज डॉर्लिंग को देखा तो मिसेज डॉर्लिंग जो हरे रंग का जो स्वेटर था वह मिसेज नरेटर की माँ का था। द वुडन बटन वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस स्वेटर के जो बटन थे वह धुलाई करके येलो हो गए थे। सी सॉ दैट नरेटर वॉज लुकिंग एट कार्डिगन, जब उस लेडी ने देखा कि नरेटर उनके कपड़े को देख रही है, सी हाफ हीड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उस लेडी ने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया। हर रिएक्शन कन्विंस दैट द नरेटर दैट शी वॉज राइट, उसके रिएक्शन से ऐसा लगता है, नरेटर को लगता है कि नरेटर बिल्कुल सही जगह पर आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड नरेटर फील व्हेन शी सॉ थिंग्स इन मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस, नरेटर जब सारा सामान मिसेज डॉर्लिंग के घर में देखती है तो उन्होंने कैसा फील किया, कैसा अनुभव किया। आंसर, व्हेन नरेटर वॉज सिटिंग इन मिसेज डॉर्लिंग्स लिविंग रूम, सी फेल्ट एज इफ सी वॉज इन द प्लेस सी न्यू एंड डिड न्यू, जब नरेटर मिसेज डॉर्लिंग के लिविंग रूम में बैठी रहती हैं तो उनको लगता है कि उस जगह को जानती भी हैं और नहीं भी जानती हैं। जानती इसलिए हैं क्योंकि वो सारा सामान उन्हीं का था, नहीं जानती हैं उस कमरे के बारे में, उस सराउंडिंग के बारे में नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा, सी सॉ टी पॉट विद गोल्डन बॉर्डर, जो टी पॉट था गोल्डन बॉर्डर इसके थे, कटलरी बॉक्स, एंटीक प्लेट्स एंड सिल्वर, ऑल दीज थिंग्स मेड नरेटर्स नॉस्टैल्जिक, ये सारी चीज़ देख करके नरेटर की पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिक मतलब पुरानी यादें ताजी हो जाती है, बचपन की यादें आ जाती हैं। सी फेल्ट दैट दोज थिंग्स हैड लॉस्ट देयर वैल्यू, उसको लगता है कि वो सारे सामान अपना इंपॉर्टेंस खो चुके हैं। ऐसा क्यों था? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हर मदर, क्योंकि नरेटर अपनी माँ को खो चुकी है, अब माँ के बिना वो सारे सामान भी अपना इंपॉर्टेंस खो चुके हैं। नेक्स्ट, हु हैड गिवन टू नरेटर द एड्रेस व्हेन एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, नरेटर को एड्रेस किसने दिया था और किस स्थिति में दिया था। आंसर, द नरेटर्स मदर हैड गिवन हर द एड्रेस ईयर्स एगो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, नरेटर की मदर ने फर्स्ट हाफ वॉर के समय में एड्रेस दिया था। नरेटर केम होम फॉर फ्यू डेज एंड मिस्ड वेरियस थिंग्स इन द रूम्स, काफ़ी समय के बाद नरेटर घर आई थी, बहुत सारी चीज़ों को याद कर रही थी। ठीक तब उसी समय नरेटर की मदर ने टोल्ड हर अबाउट मिसेज डॉर्लिंग एंड गेव हर द एड्रेस, ठीक उसी समय नरेटर की माँ ने नरेटर को मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया और एड्रेस दे दिया कि मिसेज डॉर्लिंग इसी एड्रेस पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द नरेटर लर्न अबाउट मिसेज डॉर्लिंग फ्रॉम हर मदर, नरेटर मिसेज डॉर्लिंग के बारे में क्या जानती हैं अपनी माँ के द्वारा। डॉर्लिंग वॉज एन ओल्ड अक्वेंटेंस ऑफ नरेटर्स मदर, वह उसकी पुरानी दोस्त या जान पहचान की थी। मिसेज डॉर्लिंग हैड नॉट सीन हर सेवरल ईयर्स, जब मिसेज डॉर्लिंग ने नरेटर की मदर को कई साल तक नहीं देखा, देन सी सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कंटैक्ट, फिर अचानक उनमें आपस में कंटैक्ट हो जाता है, एक दूसरे से मिलते हैं। एवरी टाइम सी लेफ्ट दैट प्लेस सी टुक समथिंग विद हर, टेबल सिल्वर एंटीक प्लेट्स, जब मिसेज डॉर्लिंग नरेटर के घर से जाती थी तो कुछ न कुछ अपने सूटकेस में भरकर जरूर ले जाती थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रीजन डिड मिसेज डॉर्लिंग गिव फॉर टेकिंग अवे द प्रेशियस बिलोंगिंग ऑफ नरेटर्स मदर, मिसेज डॉर्लिंग ने क्या रीजन दिया जिस समय वह नरेटर के घर से सारा सामान अपने घर ले जा रही थी। तो मिसेज डॉर्लिंग सजेस्टेड टू नरेटर्स मदर दैट सी शुड स्टोर हर बिलोंगिंग एट हर सेफर प्लेस, उन्होंने कहा कि वह सारा सामान अपने घर ले जाएंगी, सुरक्षित रखेंगी। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल नाइस थिंग्स, उन्होंने कहा वह सारा सामान अपने घर में सुरक्षित रखेंगी, बचा कर रखेंगी। शी एक्सप्लेन्ड दैट दे वुड लूज एवरीथिंग इफ दे हैड टू लीव द प्लेस, उन्होंने कहा अगर वो लोग सामान छोड़कर यहाँ जाएंगे सब कुछ खो देंगे, और उसके पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब मिसेज एस एंड मिसेज डॉर्लिंग, मिसेज एस नरेटर्स मदर हुज नेम मिसेज एस वाज ए काइंड हार्टेड जनरस एंड लिबरल लेडी, वह काफ़ी दयालु उदार और स्वतंत्र लेडी हैं। शी वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग वैल्यूएबल थिंग्स, और मिसेज एस
एक शौकीन है सामान रखने की, कीमती। शी इज मिडल एज लेडी, एक मिडल एज की है। और दूसरी तरफ मिसेज डॉर्लिंग, मिसेज डॉर्लिंग वॉज वेरी कनिंग, क्लेवर, सेल्फिश, ग्रीडी, मनी माइंडेड लेडी हैं। शी वॉज वेरी इंसोलेंट, बड़ी बदतमीज टाइप लेडी हैं, और रूड और खड़ूस भी हैं। शी हैड केप्ट ऑल बिलोंगिंग ऑफ नरेटर्स मदर, उन्होंने नरेटर की मदर का सारा सामान अपने घर में रखा हुआ है। एंड रिफ्यूज टू रिकगनाइज नरेटर, और नरेटर को पहचानने से भी इनकार कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड नरेटर गो टू मार्कोनी स्ट्रीट, नरेटर मार्कोनी स्ट्रीट क्यों जाती थी, क्यों गई। आंसर, द नरेटर वॉज ए यंग ज्यूइश वुमन हु हैड टू माइग्रेट ड्यू टू वॉर। नरेटर एक यहूदी औरत है जिन्हें युद्ध की वजह से बाहर माइग्रेट होना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ द वॉर शी केम बैक टू हर होम टाउन टू विजिट मार्कोनी स्ट्रीट, कुछ समय के बाद, कुछ साल के बाद वो अपने होम टाउन वापस आती हैं मार्कोनी स्ट्रीट विजिट करने के लिए। दिस वॉज द एड्रेस वेयर मिसेज डॉर्लिंग लिव्स, यह वही एड्रेस था जहाँ मिसेज डॉर्लिंग रहती थी। शी केप्ट सम वैल्यूएबल बिलोंगिंग ऑफ नरेटर्स मदर, मिसेज डॉर्लिंग नरेटर की माँ का कुछ कीमती सामान अपने पास रखा हुआ था। नरेटर वांटेड टू गेट देम बैक, नरेटर उन्हें वापस चाहती थी, उसको टच करना, याद करना। दैट्स वाई, इसी वजह से नरेटर मार्कोनी स्ट्रीट विजिट किया था। दैट्स वाई नरेटर विजिटेड मार्कोनी स्ट्रीट 46। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द नरेटर रिमेंबर अबाउट मिसेज डॉर्लिंग एज शी सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। नरेटर जब मिसेज डॉर्लिंग को पहली बार देखा था उन्होंने क्या याद था। आंसर, मिसेज डॉर्लिंग वॉज ए वुमन विद ब्रॉड बैक, मिसेज डॉर्लिंग एक चौड़ी पीठ वाली औरत हैं। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, वह एक ब्राउन कोट पहने हुई हैं, बिना आकार वाली टोपी पहने हुई हैं। शी पिक्ड अप ए हैवी सूटकेस लाइंग अंडर द कोट रैक एंड लेफ्ट देयर हाउस, और उन्होंने नरेटर के घर से एक हैवी सूटकेस और एक कोट रैक, कोट रैक एक स्टैंड होता है जिसमें हुक होती है कोट टांगने के लिए, यह लेकर के अपने घर गई थी। शी लिव्ड एट मार्कोनी स्ट्रीट 46। क्वेश्चन नंबर 11, द स्टोरी डिवाइडेड इन टू प्री वार एंड पोस्ट वार, यह कहानी दो भागों में डिवाइड है, एक तो युद्ध के पहले और युद्ध के बाद। व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, आप कौन सी मुसीबत समझते हैं कि लड़की युद्ध के इसके दौरान किस मुसीबत से उसको गुजरना पड़ता है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बन सकता है, द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलोज वॉर, यह एड्रेस स्टोरी है आदमी की दुर्दशा के बारे में, युद्ध से, युद्ध के बाद आदमी क्या दुर्दशा हो जाती है उसको कैसे दर्शाती है। आंसर, द स्टोरी द एड्रेस गिव्स अस ए व्यू ऑफ प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम इन द हॉलैंड, हॉलैंड में युद्ध के पहले और युद्ध के बाद की स्टोरी से हमें पता लगती है। द प्री वॉर टाइम वॉज टाइम ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेजर एंड प्लेजर, युद्ध के पहले जो देश की स्थिति होती है फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पीस होता है, लेजर लोगों में बिल्कुल खुशहाली स्वतंत्रता होती है। पीपल वर बिजी इन डे टू डे लाइफ, बिजनेस लाइफ, लोग अपने डेली के कामों में व्यस्त होते थे। नरेटर यूज्ड टू लिव इन ए बिग हाउस, नरेटर बड़े घर में रहती थी। नरेटर लिव्ड अलॉन्ग विद हर मदर ए हैप्पी लाइफ, नरेटर माँ के साथ एक ऐसी खुशहाली भरी जिंदगी जी रही थी। द हाउस वॉज फुल ऑफ वैल्यूएबल आइटम एंड थिंग्स, उनका घर कीमती सामान से भरा होता था। बट आफ्टर द वॉर मदर हैज लॉस्ट हर लाइफ एंड देयर प्रॉपर्टी, युद्ध के बाद माँ अपनी लाइफ खो देती है, उनकी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मिसेज डॉर्लिंग हु वॉज वेरी सेल्फिश क्लेवर ग्रीडी ग्रैब्ड देयर प्रॉपर्टी, मिसेज डॉर्लिंग जो चालाक लालची थी उन्होंने वह उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया था। द पोस्ट वॉर इज फील्ड विद ग्रीफ एंड पेनफुल मेमोरीज, और युद्ध के बाद की स्थिति लोग जो है दुख और तकलीफ पीड़ादायक ज़िंदगी जी रहे हैं युद्ध के बाद। नरेटर केम बैक टू हर होम टाउन टू कलेक्ट हर बिलोंगिंग बट शी इज डिसअपॉइंटेड व्हेन शी इनकाउंटर मिसेज डॉर्लिंग, नरेटर युद्ध के बाद अपने होम टाउन वापस आती है अपना सामान लेने के लिए, लेकिन वह निराश होती है जब मिसेज डॉर्लिंग से उसका सामना होता है। शी लिव्स इन ए स्मॉल रेंटेड हाउस, नरेटर एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हैं।
और इसलिए और उसके बाद लोगों की जो ज़िंदगी है युद्ध के बाद, कॉमन पीपल हैव सफर्ड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, युद्ध के बाद जो कॉमन लोग होते हैं वह मौत और तबाही का सामना करना पड़ता है उनको। अब इसके बाद आइए छोटे क्वेश्चन करते हैं, हाउ डिड मिसेज डार्लिंग रिएक्ट द ऑथर व्हेन द ऑथर विजिटेड हर। जब ऑथर उनके घर मिसेज डार्लिंग के घर जाती हैं तो मिसेज डार्लिंग कैसा व्यवहार करती हैं, कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, कोल्ड और अमर्यादित। नेक्स्ट, इन व्हाट अटायर डिड द ऑथर मिसेज फाइंड मिसेज डार्लिंग। जब नरेटर उनके घर पहुंचती हैं तो मिसेज डार्लिंग कौन से कपड़े, अटायर कपड़े, कौन से कपड़े पहने हुई थी। ऑथर्स मदर ग्रीन नीटेड कार्डिगन, जो मिसेज डार्लिंग थी नरेटर की मदर का जो हरे तरीके हरे एम्ब्रॉयडर्ड स्वेटर था उसको पहनी हुई थी, हरे कलर का था। व्हाट वॉज एड्रेस दैट ऑथर्स मदर आस्क हर टू रिमेंबर, वह कौन सा एड्रेस था जिसको नरेटर की माँ ने नरेटर को याद करने के लिए कहा था, याद रखने के लिए। आंसर, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, यही था। क्वेश्चन नंबर 4th, मिसेज डार्लिंग वॉज डैश ऑफ मिसेज यस, मिसेज डार्लिंग मिसेज यस की क्या लगती थी। एंड ओल्ड अक्वेंटेंस, पुराने जान पहचान, पुराने दोस्त कह सकते हैं। वाई हैड अथर कम टू विजिट मिसेज डार्लिंग, नरेटर मिसेज डार्लिंग के घर क्यों आती हैं। आंसर, बिकॉज मिसेज डार्लिंग हैड बिलोंगिंग ऑफ अथर्स मदर, क्योंकि मिसेज डार्लिंग अथर की मदर का सामान अपने पास रखा हुआ था। नेक्स्ट, हु ओपन द डोर अपॉन द अथर्स सेकेंड विजिट टू मिसेज डार्लिंग्स हाउस, मिसेज डार्लिंग के घर दूसरे विजिट में कौन दरवाज़ा खोलता है नरेटर के लिए। आंसर, मिसेज डार्लिंग्स डॉटर, दूसरी बार डार्लिंग घर पर नहीं होती है, उनकी डॉटर दरवाज़ा ओपन करती है। नेक्स्ट, अनलाइक मिसेज डार्लिंग हर डॉटर वॉज डैश टूवर्ड्स द, उनकी डॉटर हॉस्पिटेबल थी, मर्यादित लड़की थी, अपनी माँ की तरह नहीं थी। नेक्स्ट, आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिंट नो, वॉट डज द ऑथर मीन बाई दिस, मैं ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी, ऐसा क्यों उसने कहा। सी सा फैमिलियर थिंग्स बट अनफैमिलियर सराउंडिंग, क्योंकि नरेटर ने उन सब चीज़ों को देखा जो उसका था, लेकिन जिस सराउंडिंग में था उससे वह अपरिचित थी। द ऑथर रिमेंबर्ड दैट द वुलन टेबल क्लॉथ हैड, नरेटर को याद है कि वुलन क्लॉथ जो है एक जगह क्या था, बर्न, जला हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द सिल्वर दैट ऑथर वॉज वंस आस्क टू क्लीन हर मदर बाई हर मदर, वो कौन सी चीज़ थी जिसको नरेटर की मदर ने उसको साफ करने के लिए कहा था, वो कटलरी थी। कटलरी क्या होता है, जिसमें नाइफ होते हैं, फॉर्क होते हैं, स्पून्स होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मैसेज डज द एड्रेस टॉक अबाउट, इस एड्रेस से हमें क्या मैसेज मिलता है। ह्यूमन प्रेडिकमेंट ऑफ वॉर, युद्ध के बाद इंसान की कैसी दुर्दशा होती है। हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, मार्गमिंग को। वाई डिड ऑब्जेक्ट लूज देयर वैल्यू फॉर द ऑथर, जितने सामान थे उन्होंने अपने इम्पोर्टेंस क्यों खो दिया था। बिकॉज सी सॉ देम इन डिफरेंट सराउंडिंग, क्योंकि उनका जो सामान था कुछ अजीब से सराउंडिंग में रखा हुआ था। नेक्स्ट, एट द एंड वॉट डज द ऑथर डिसाइड, अंत में ऑथर ने क्या डिसाइड किया, टू फॉरगेट द एड्रेस, एड्रेस को भूल जाने के लिए। नेक्स्ट, द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसेज डार्लिंग डैश द वार, आफ्टर द वार, युद्ध के बाद नरेटर डार्लिंग के घर आई हुई थी। इसके बाद स्कॉलर्स अनोटेशंस हैं, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं रखते हैं, इसमें अटैच है, इसमें से अनोटेशन आप कर लेना। आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, सो आपको अच्छा लगता है, आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।